अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम आई एम प्योर कंप्यूटर टीचर मारिया। टुडे वी आर गोना कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 6 ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर टुडेज टॉपिक इज लाइफ टाइल्स ऑन पेज नंबर 130। सो व्हाट वी हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द आइकन्स, विंडोज 10, डेस्कटॉप और टास्क बार स्टार्ट मेन्यू। सो आफ्टर दिस वी हैव टू रीड टुडे इज लाइफ टाइल्स। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 130। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक आई वांट टू मेंशन यू, आई शेयर द पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 and 5 दैट वी हैव राइट इन ओवर ऑनलाइन क्लास। आई एम शेयरिंग द पीडीएफ एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स इन दिस वीडियो। दिस वीडियो यू विल फाइंड द क्वेश्चन नंबर 3 and 5 इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, ठीक है ना। आपको दोनों मिल जाएंगे। इसके अलावा आप आज के वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव और जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, वो भी हमने कंप्लीट किया है। खैर, आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 5 था उसका मैंने पीडीएफ भी आपको भेज दिया है, वो आप लोग देख के मैच कर लेना। इफ इन केस किसी बच्चे की कोई भी गलती हो तो वो उसको देख ले। टॉपिक इज लाइफ टाइल्स। As name emphasized, live tiles are those tiles which are shows live events. ठीक है, live events आपकी news update, weather forecasting, incoming mails या जो भी चीज़ होती है जो recently हो रही होती हैं वो आपको show करती हैं। ठीक है, आप लोगों ने mobile में ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, mobile में आपको live news और सब कुछ मिल जाता है ना, वो आपके एक slide से, या आप weather के ऊपर click करते हो तो आपको live weather मिल जाता है। ये हमारे पास विंडोज 10 में है अवेलेबल। रिसाइजेबल लाइव टाइल्स आर इंक्लूजन एट इन दी विंडोज 10 डिस्प्ले। दीज लाइव टाइल्स आर ऑफ सो मैनी पॉपुलर यूनिवर्सल एप्स आर फाउंडेड इन द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। आपके राइट साइड पे स्टार्ट मेन्यू में आपको मिल जाती है। दे डिस्प्ले लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन सच एज द न्यूज, वेदर रिपोर्ट्स, इनकमिंग मेल्स एक्सेट्रा विदाउट ओपनिंग दी ऐप। आपको इसमें सिर्फ लेटेस्ट अपडेट पता चल जाएंगी अगर आप राइट पैन पे देखें। जरूरी नहीं है कि आप वो ऐप में जाके या गूगल में जाके आप वेदर लिखेंगे तो आपको वेदर मिले, नहीं। आप राइट पैन में जाएं, आपको वेदर आपका टुडेज वेदर या वीकली वेदर आपको उसमें शो हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप। इन क्लास 4 यू हैव रीड अबाउट द कस्टमाइजिंग द डेस्कटॉप ऑलरेडी, ठीक है। नाउ वी आर गोना रिकॉल इट, ठीक है। इन विंडोज 10 हाउ यू कैन कस्टमाइज द डेस्कटॉप, आपने कलर चेंजिंग या वॉलपेपर चेंजिंग कैसे करनी है, आप लोगों को सारा कुछ वही है। स्टेप 1 है राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप एंड सेलेक्ट द पर्सनलाइजेशन ऑप्शन इन सेटिंग विंडोज अपेयर। अगर पुराना आप जाएं जो बहुत पहले विंडोज थी जो आपको पढ़ाई गई थी बहुत पहले, उसमें ये था आप राइट क्लिक करें वहाँ से कंट्रोल पैनल में आप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे अब उसका नाम चेंज कर दिया पर्सनलाइज ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। आप वो खोलें आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, आपकी लेफ्ट साइड पे स्क्रीन पे वो विंडो शो भी हो रही है। ओके, स्टेप 2 है क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पैन, सेलेक्ट योर एनी कलर फ्रॉम द चूज योर कलर सेक्शन टू चेंज द कलर स्कीम ऑन द स्टार्ट मेन्यू एंड अदर विंडो। आपके पास जो विंडो ओपन होगी उसमें लेफ्ट साइड पे आप वहाँ से कलर ऑप्शन सेलेक्ट करें और जौन सा भी कलर आपको रिक्वायर है, ठीक है, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, रेड, वो आप अपना एक कलर सेलेक्ट कर लें और उसको वो आपका ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा, ठीक है। जब आप कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीव्यू आप देख सकते हैं। प्रीव्यू स्टेप 3 है, अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्ट कलर स्कीम विल अपेयर इन द प्रीव्यू सेक्शन, प्रीव्यू सेक्शन में वो आपको शो हो जाएगा। स्टेप 4 है इफ यू वांट द एक्सेंट कलर टू मैच योर डेस्कटॉप वॉलपेपर, टर्न ऑन द ऑटोमेटिकली पिक एन एक्सेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड ऑप्शन। आपके बैकग्राउंड ऑप्शन में एक्सेंट कलर वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ टास्क बार, ठीक है, तो यू कैन चेंज इट। आपने स्टेप 5 है टर्न ऑन द शो कलर ऑन स्टार्ट टास्क बार एक्शन का सेंटर एंड टाइटल बार ऑप्शन टू अप्लाई द सेम कलर टू दिस कॉम्पोनेंट ऑफ द डेस्कटॉप। टू अप्लाई ट्रांसपेरेंट इफेक्ट टर्न ऑन द मेक स्टार्ट टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। ये आपके पास नीचे सारी उसकी ऑप्शन आ रही होती है ऑटोमेटिकली विंडो के, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 6 है The color scheme you have chosen will be applied to your desktop.
क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, डिफाइन कमांड लाइन इन दिस यूआई ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास लास्ट एक क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर फोर, ये हम आज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसने आपसे पूछा कमांड लाइन इंटरफेस जो है आपने वो डिफाइन करना है। आंसर है करेक्टर यूजर। इसके ना मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, थ्री पॉइंट्स पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये बहुत लेंथी था, मैंने इसको शॉर्ट करके थ्री पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया, ताकि आप लोगों के लिए जो हमारे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो ही डिस्कस करें। करेक्टर यूजर इंटरफेस इन विच द यूज़र टाइप इन कमांड्स ऑन आ टर्मिनल विंडो। करेक्टर यूज़र इंटरफेस CUI जो है, इसमें आप जो कमांड्स टाइप करते हैं टर्मिनल विंडो पे। डॉस एंड यूनिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विच रन ऑन CUI। डॉस और यूनिक्स जो हैं वो एग्जाम्पल हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो CUI पे रन होती हैं। यूजिंग दिस इंटरफेस यूजिंग दिस इंटरफेस रिक्वायर्स थ्रो नॉलेज ऑफ ऑल द कमांड्स विच इज टाइडियस एंड रिक्वायर टाइम फॉर डिस्प्ले द रिजल्ट। इसमें अगर आपको याद हो कुछ थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको बताया था आपको कमांड्स याद करनी है। आपको यहाँ पे कर्सर वगैरह कोई अवेलेबल नहीं होता, आपने यहाँ पे जो कुछ भी करना है टाइप करना है, तो उसके लिए आपको कमांड जो है वो टाइप करनी पड़ती है, आपको याद रखनी पड़ती है। तो इसलिए ये टाइडियस है और हमारे पास ज़्यादा वो रिक्वायर टाइम, आपको टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इसको टाइम रिक्वायर होता है रिजल्ट डिस्प्ले करने में भी। मूविंग टू द ऑब्जेक्टिव नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स एंड डैश फैसिलिटेट एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, रिजॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ द यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास फैसिलिटेट करता है कि हम यूज़र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सके। एंड OS acts as an effective user interface to help user work with the computer। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इफेक्टिव यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ताकि जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ आसानी से काम कर सके। द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट मेमरी टू एनी रनिंग प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद हो तो हमने मेमरी मैनेजमेंट में पढ़ा था कि वो डिवाइड कर देता है मेमरी को, जो हमारे पास अपकमिंग एप्लीकेशन जो रन हो रही होती हैं उनके अकॉर्डिंगली। द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म एंड असाइन टास्क एंड रिस्पॉन्ड टू द यूजर इनपुट्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो टाइम डिवाइड कर देता था और टास्क को वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में प्ले कर देता है, मतलब उसको प्रोसेस करता रहता है। द टास्क व्यू बटन हेल्प अ यूजर टू क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम। जो टास्क व्यू, जो टास्क बार हमारे पास, उसमें टास्क व्यू है वो हमारे पास मल्टीपल विंडो डेस्कटॉप की शो कर देता है एक ही वक्त में। ओके, नेक्स्ट, मल्टीपल ऑप्शन, चूज एंड टेक द करेक्ट आंसर्स। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लासिफाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द CUI इंटरफेस। आपके बुक में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास लिखी हुई है वो लिनक्स लिखी हुई है, ठीक है। इनमें से कोई भी ABCD बेसिकली कोई भी नहीं है, तो वो बेसिकली गलत लिखी हुई है, वो यूनिक्स लिखनी थी एक पे, ठीक है ना। तो ये आप करेक्ट कर लिएगा, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन CUI इंटरफेस इज यूनिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी टर्न ऑन टू बी एबल टू अप्लाई द सेम कलर टू द कॉम्पोनेंट ऑफ द डेस्कटॉप, ठीक है। इसकी ऑप्शन है C, शो कलर ऑन स्टार टास्क बार एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार ऑप्शन। In the dash system, the time frame is rigid and it is not possible to skip even a millisecond. Hard real time, hard real time में एक भी सेकंड जो है वो skip नहीं करता। Look at the image and answer the following. आपके पास जो C option है उसमें image दी हुई है, उसके according भी आपने नीचे three questions के answer देने हैं। Basically वो answers ये हैं। ये questions आपको as a viva भी आ सकते हैं, ये as a short भी आ सकते हैं। ये तीन ही questions हैं, answer इनके simple से हैं, तो ज़रा ध्यान से सुने, ये खुद से भी आप दे सकते हैं। वट आर द आइकॉन्स, आइकॉन्स आर द स्मॉल पिक्चर्स रिप्रेजेंटेड फाइल्स फोल्डर एंड एप्स, ये आपको पता है, ठीक है। अब उन्होंने आज नेक्स्ट पूछा था, नेम एनी थ्री आइकॉन्स डिस्प्ले एंड द डेस्कटॉप, ठीक है। अच्छा, जो डेस्कटॉप पे उन्होंने पूछी हैं वो पूछी हैं जो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर बनाई हुई है ना पिक्चर, उसमें जो पूछी हुई है वो बतानी है आपने, उसमें देख के आप कोई से भी तीन बता सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखी हुई है टॉप रीडर, गूगल क्रोम एंड रिसाइकल पिन, ठीक है। क्योंकि एक मैंने तीन मल्टीपल ऑप्शन लिखी हैं, टॉप रीडर एप्लीकेशन है, गूगल क्रोम जो है उसकी नेटवर्क की है, और रिसाइकल बिन
में आता है. सेकंड है हाउ टू वी नो दैट एन एप्लीकेशन इज ओपन ऑन द डेस्कटॉप. आपको कैसे पता लगेगा एक एप्लीकेशन जो है वो डेस्कटॉप पे ओपन है. अगर आप लोगों को पता है वो नीचे जो हमारे पास सेंटर पैनल होता है टास्क बार का उसके अंदर हमारे पास सारी जो है एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली वो मिनिमाइज करता है तो उसमें आती जाती है ना ये उस बात है. द मिडिल एरिया ऑफ द टास्क बार कंटेन द ओपन एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड टैब्स. थर्ड है व्हाट यूटिलिटी डज द टास्क बार सर्व. टास्क बार का काम क्या है. ठीक है इट अलाउ यू टू लोकेट एंड लॉन्च प्रोग्राम टू स्टार्ट एंड स्टार्ट मेनू और व्यू एनी प्रोग्राम दैट इज करंटली ओपन. ये क्या काम करता है. कोई भी प्रोग्राम ओपन करता है ठीक है किसके थ्रू स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेन्यू के थ्रू. ठीक है और व्यू एनी प्रोग्राम दैट इज करंटली ओपन. और उसके अलावा उसका दूसरा काम क्या है कि जो भी आपके पास टास्क बार में आसानी नजर आ रही होती है जो जो एप्लीकेशन ओपन होती है उसको व्यू करने के लिए शो होता है. ठीक है टास्क बार का आपको भी कॉन्सेप्ट पता है कि इसके अंदर स्टार्ट बटन होता है उसके थ्रू हम प्रोग्राम चलाते हैं. उसके अलावा जो जो हम एप्लीकेशन हमने खोली होती है उसको जब मिनिमाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाती हैं तो उनको शो करने के लिए भी टास्क बार इम्पोर्टेंट है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर है ये थ्री. नेम एनी फाइव इनपुट टूल यूज्ड इन जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम. चेक बॉक्सेस रेडियो बटन्स ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस बटन टॉगल्स. आई एम जस्ट राइटिंग इट इफ इन केस you do anything wrong you can correct it watch it and correct it we already done it into the video class. Now question number 5. Name the different parts of the taskbar. Start button, task view button, search box and notification area. Theek hai, we have already done these two question number 3 and question number 5 in two video classes but still I'm giving you just because you if you do any mistakes then you can correct it by yourself. Okay, thank you students. Enough for now. Now after the, into the next class, we will start over chapter number 7, the internet.